Good morning, everyone. This is a class for Sia, and once again, welcome to DSS online class. Student, in this video, I am going to start the bar graph. Student, in our previous class, class 6, we have already discussed about different type of graph. That's the name of that is the pictorial graph. Pictorial graph, bar graph. Double bar graph, etc. Now, firstly, we introduced in this class, here in class 6, we are only introduced with the pictorial graph, bar graph, and double bar graph. In this class, we are going to solve question based on the bar graph. Firstly, I am going to introduce to you of a bar graph. What is a bar graph? So, student, a bar graph is a pictorial representation. The definition of a bar graph is what better? A bar graph is a pictorial representation of the numerical data. अभी हम लोग इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट कर रहे थे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा देख रहे थे. 15 स्टूडेंट के मार्क्स का डाटा, 11 प्लेयर्स के रन स्कोर का एक डाटा, तो मीन, मीडियन एंड मोड, ये सब चीजें हम लोगों ने फाइंड किया. तो डाटा बार ग्राफ का यूज क्यों होगा बेटा? ना बार ग्राफ जो है एक तरह से अ पार्ट ऑफ अ पिक्टोरियल ग्राफ. बार ग्राफ जो है थोड़ा पिक्चर के थ्रू होता है, तो डाटा का रिप्रेजेंटेशन एक जगह में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. पिक्टोरियल ग्राफ का हम यूज इसलिए करते थे कि हम डाटा को बच्चों को बहुत आसान हो सके उस चीजों को समझने में. पिक्चर के थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट करते थे, जो अभी फिलहाल हम लोग नंबर के थ्रू कर रहे थे प्रीवियस एक्सरसाइज में. तो बार ग्राफ जो है, बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. न्यूमेरिकल डाटा दैट इज 11 स्कोर ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ इंडोर क्लास, दिस इज नोन एज अ न्यूमेरिकल डाटा. बाय द नंबर ऑफ बार, दिस इज नोन एज अ बार. दिस इज अ बार जिसे हम रेक्टेंगल भी समझने के लिए रेक्टेंगल से कैसे समझते हैं. देखिए इसकी विड्थ हो जाएगी और ये लेंथ हो जाएगी. ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ, इनकी जो विड्थ, ये जो चौड़ाई है, ये सबकी क्या होनी चाहिए? एक क्वेश्चन में जो है सबकी जो यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब होता है एक समान चौड़ाई की होनी चाहिए. यानी कि जो ये चौड़ाई है वही ये, वही ये विड्थ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए. अपर यूनिफॉर्म विद इरेक्टेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दिस इज फॉर्म नोन एज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज नोन एज वर्टिकल एंड दिस इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल. तो ये बोथ दो ही केसेस में हो सकते हैं बेटा. ये या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या तो वर्टिकल हो सकता है. तो बार ग्राफ इज व्हाट? अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डाटा बाय द नंबर ऑफ बार रेक्टेंगल्स. बार दिस and it is also known as a rectangle. We can say that bar is rectangle for understanding, for better understanding. The bars we can call rectangles of uniform width erected horizontal or vertical with equal spacing between them. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो बार है इनकी चौड़ाई जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ब्रिज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. और डिफरेंस, ये डिस्टेंस बिटवीन द बार्स, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इक्वल स्पेसिंग. इक्वल स्पेसिंग का मतलब क्या बेटा? कि बिटवीन द टू बार, बिटवीन द फर्स्ट बार, ये फर्स्ट बार हमारा, ये सेकंड बार है, ये थर्ड बार है, ठीक है? तो फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो गैप है वही सेकंड और थर्ड के बीच का होना चाहिए, वही थर्ड और फोर्थ के बीच का डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है? बिटवीन देम. So, this type of data is known as a bar graph. And what is the double bar graph? And what is the double bar graph? Double bar graph